हेलो स्टूडेंट्स, आज हम समानता श्रेणी में समानता श्रेणी के n पदों का योगफल कैसे ज्ञात करते हैं, तो उससे संबंधित प्रश्नावली 5.2 को देखेंगे। तो सबसे पहले हम इसका सूत्र देखते हैं, इसको किस तरह सॉल्व करते हैं। तो यदि समानता श्रेणी के n पदों का योगफल ज्ञात करना है तो हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, एस इक्वल टू एन अपॉन टू टू ए एन माइनस वन इंटू डी। तो यहाँ पर एस क्या है, एन पदों का योगफल, और यहां पर ए जो है आपका प्रथम पद, डी यहां पर आपका सर्वांतर, एन पदों की संख्या। और यहां पर यह एल टर्म यूज किया है, एल का मतलब होता है लास्ट टर्म, अंतिम पद। तो ये टर्म इसके नाम है। अब हम इस फार्मूला का यूज करके क्वेश्चन करते हैं। अब हमको प्रश्नावली 5.3 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। इसमें हमको मान दिए हुए, श्रेणी दी हुई है, और हमको 10 पदों तक का योगफल ज्ञात करना है। तो हम पहले का फर्स्ट देखते हैं, इसमें ए इक्वल टू है 2, और डी है आपका सेकंड पद में से फर्स्ट टर्म को सबट्रैक्ट कर दिया 5, और पदों की संख्या कितनी दी हुई है यहां पर 10। तो हमको एस ज्ञात करना है। तो एस का फॉर्मूला कितना होता है, एन अपॉन टू टू ए एन एस वन एस वन इंटू डी। एन अपॉन एन कितना है, 10/2 टू, ए कितना दिया होगा यहां पर 2, प्लस एन माइनस वन 10-1, और डी इक्वल टू 5। अब इसको सिंपल करो थोड़ा सा, 5, 4, और ये हो जाएगा 9 × 45। को मल्टीप्लाई करो, 4, 245, ये आपका इसका आंसर होगा। इसी प्रकार से आप इसमें भी सेकंड वाला करेंगे। सेकंड वाले में एक का वैल्यू दी हुई है आपकी -37, और डी दिया हुआ है -33 -37। तो ये हो जाएगा आपका -33 + 37 = +4, और n इक्वल टू दिया हुआ है आपका 12। तो आपको s फाइंड करना है, तो s के लिए आप वही फार्मूला लगाएंगे, n अपॉन टू टू ए प्लस एन वन इंटू डी। इसमें मान पुट कर दो, 12 अपॉन टू टू इंटू -37 प्लस n, एन कितना दिया हुआ 12, और डी दिया हुआ है आपका 4। अब आप इसको सिंपल करके को हल कर लीजिए, मान निकालेंगे, और जो भी मान आएगा वह है इसका पदों का योगफल का मान होगा। ठीक है, इसको पूरा कर लीजिए। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमको यहां पर श्रेणी दी हुई है और इसमें एक अंतिम पद दिया हुआ है। ठीक है, तो यहां पर हम सबसे पहले हम यहां पर ए इक्वल टू निकालेंगे, ए इक्वल टू यहां पर 7, और डी निकालने के लिए आपको सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म को सबट्रैक्ट करेंगे, तो कितना आ जाएगा आपका 3.5, 3.5 है ना, कितना हो जाएगा 7/2। फॉर्मूला लगाते हैं, पदों की संख्या कितनी होगी वो चेक करना पड़ेगा। सबसे पहले आप लास्ट टर्म निकालेंगे, लास्ट टर्म का फॉर्मूला क्या होता है,
ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। तो आप इसमें एल दिया हुआ है 84 और ए दिया हुआ है 7 और एन हमको नहीं दिया है, तो एन हम फाइंड करेंगे और डी दिया हुआ है 7/2। इसको सॉल्व करके हम एन की वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। तो आपका जो हो जाएगा 84 माइनस 7 इक्वल एन माइनस वन इंटू 7/2, कितना हो जाएगा जी आपका 70। सेवेंटी सेवन इक्वल एन माइनस वन इंटू 7/2। इसको आप और सिंपल करेंगे, एन माइनस वन इक्वल आ जाएगा 77 इंटू 2 अपॉन 7। 7 से 77 कैंसिल हुआ 11। एन माइनस वन इक्वल आ जाएगा आपका 22। एन इक्वल टू 23। एन की वैल्यू आपकी है 23। अब हम एन पदों का योगफल का फॉर्मूला लगाएंगे। तो एन पदों का योगफल का फॉर्मूला क्या होता है, एस इक्वल टू एन अपॉन टू ए प्लस एल। एन का टर्म दिया है आपका 23 अपॉन टू और फर्स्ट टर्म में दी है आपकी 7 और लास्ट टर्म में दी है 84। को तो सॉल्व करिए 23 अपॉन टू और यहां हो जाएगा आपका 91। तो इसको आप 23 इंटू 91 अपॉन टू, इसको मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। ओके, थैंक यू।